अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे और हम अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे। अल्केन्स के हमने सोर्सेस जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से तैयार कर सकते हैं। कॉमन मेथड्स हैं, दो कॉमन मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइन्स। कि जो हमारे पास अल्कीन्स हैं या हमारे पास अल्काइन्स हैं, उनमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है। हाइड्रोजन एशन मीन एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, कौन सी हाइड्रोजन ऐड करवानी है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, उसको हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अब जैसे अल्कीन्स हैं, अब हम रिएक्शन करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अल्कीन्स हैं, अब आपको पता है कि जो एक बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनती है। जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये दो हाइड्रोजन हैं, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉन्ड टूटेगी, एक हाइड्रोजन सिंपली इसके इस साइड पे जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पे जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगी, ये नई बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन जाएगी। सिंपल स्टेप, ये रिएक्शन होगा कि हमारे पास हाइड्रोजिनेशन जो होनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना है, वो बेसिकली इस तरह से होना है कि जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करती है और ट्रिपल बॉन्ड वो ब्रेक करती है और हमारे पास उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। ये जो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट आपको पता है कि कोई भी ऐसे केमिकल जो रिएक्शन को स्पीड अप करे, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। बेसिकली स्पीड अप कैसे करते हैं कि वो एक साइट प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन कराने के लिए, एक जो है प्रॉपर साइट प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से रिएक्शन होता है। जैसे हमारे पास अल्कीन, सिंपल अल्कीन हम लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 ईथीन है जैसे हमारे पास ये, इसमें अब हमने हाइड्रोजन ऐड करवाना है। ये हमारे पास हाइड्रोजन H2। तीन तरह के कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, प्लेटिनम, प्लेटियम और निकल कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर प्लेटिनम और प्लेटियम यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है। लेकिन अगर हम निकल कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जब वेजिटेबल घी को वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है, तो तब निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। लेकिन उसके लिए फिर ये होता है कि साथ आपको टेम्परेचर 250 से 350 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करना पड़ता है। अब जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे रूम टेम्परेचर पे, ये होगा सिंपल इज दैट कि यहां से एक बॉन्ड टूटेगी, एक हाइड्रोजन इधर जाके ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास एक इधर हाइड्रोजन आ गया CH3, दूसरा इधर हाइड्रोजन आ गया CH3। तो ये हमारे पास अल्कीन था इथीन, अब हमारे पास ये क्या बन गया है, इथीन। ठीक, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। यहां पर दो हाइड्रोजन है ना, इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं H, यहां पर भी इस तरह से लिख लेते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड है। अब ये हमारे पास एक हाइड्रोजन इस साइड पे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से, ये टूट गया, यहां से ये इस साइड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा हाइड्रोजन का, ये टूट गया, इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगी और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हाइड्रोजिनेशन हुई है। इसी तरह से अल्काइन है, उसमें यही होगा, जा रहा है हमें दो बार हाइड्रोजिनेशन करवानी पड़ेगी। एक बार पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करवाना पड़ेगा, फिर एक बार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करवाना पड़ेगा। पहले H2 ऐड करवाएंगे, ठीक, एक इसके पास, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास, इन द प्रेजेंस ऑफ, हम यहाँ पे ले लिखते हैं निकल कैटलिस्ट, 250 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो पहले हमारे पास ये अल्काइन अल्कीन में कन्वर्ट होगा क्योंकि एक बॉन्ड टूटनी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे इस अल्कीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगेन इसकी हाइड्रोजिनेशन H2 हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा अल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अल्केन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। मतलब हमने इथाइन से इथेन बनाना है,
तो सिंपली हमने क्या करना है, पहले इथाइन की हाइड्रोजनेशन करवानी है, फिर हमने जो है उसे इथीन बना लिया, फिर हमने इथीन की हाइड्रोजनेशन करवा के तो उससे बना लेना है इथेन, बना लेना है अल्केन, बना लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड जो वो है मेथड है प्रेपरेशन का, दैट इज रिडक्शन, वो भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही है, बेसिकली इसमें रिप्लेसमेंट होती है। लेकिन हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है जैसे H2 है उसको हम ऐड करवाएं तो वो हाइड्रोजनेशन है। लेकिन जब हम निसेंट हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, निसेंट मीन एटॉमिक हाइड्रोजन, जैसे ये हमारे पास है एटॉमिक हाइड्रोजन, कि दो अलग अलग हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, उसमें तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में थे, बॉन्डेड थे, अब अलग अलग है, तो निसेंट हाइड्रोजन को ऐड करवाने को हम कहते हैं रिडक्शन। हमने अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करवानी है, अल्काइल जैसे CH3 है, ये मिथाइल है, हैलाइड क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, अब इसकी हमने करवानी है रिडक्शन। रिडक्शन में कि मिथाइल का जो क्लोराइड है, हैलोजन है, हैलाइड है, उसको हमने रिप्लेस करवा देना है हाइड्रोजन के साथ, कि हाइड्रोजन जो है, क्लोराइड जो है, उसकी जगह हमने हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये मिथाइल मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन हमारे पास अल्केन बन जाएगी, ठीक है। और फिर हमारे पास ये देखे दो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा इस Cl के साथ और बना देगा HCl, ठीक। पीछे हमारे पास क्या बचा, CH3, अब जाहिर है जब Cl रिमूव हो जाएगा तो CH3 जो है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो फिर ये CH3 के साथ हाइड्रोजन ये दूसरा रिएक्ट करेगा और बना देगा CH4, तो ये हमारे पास जो है वो अल्केन बन गई है। इस तरह से जो है वो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड होती है, कि सिंपली हमारे पास ये CH3Cl है, इस हाइड्रोजन ने ये Cl, आपको पता है क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्लोरीन जो है रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ और HCl। पीछे हमारे पास बचा मिथाइल, मिथाइल दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा CH4, मीथेन बन गया। इस तरह से ये अल्केन हमारे पास बन गई है। इसी तरह अगली अल्केन हम बनाना चाह रहे हैं, सिंपल इज दैट CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड में भी वही होगा, एक हाइड्रोजन निसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे, Br के साथ जाएगी एक हाइड्रोजन HBr, इसे हमारे पास क्या बचा CH3 डॉट, आगे CH2 है और साथ ये एक हाइड्रोजन CH3, ये बन गए इथेन। इस तरह से सिंपली हम अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं सिंपल मेथड से, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, कल हम अल्केन्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।